Hi everybody, I'm in Hangzhou now for the Asian Games. I have 2 days before the start of the decathlon, so I just thought I'd video log and see for myself and for everybody to see. Okay, usually 2 days before the competition, day before the competition and during the competition, what we do in the decathlon, what I like to do, कैसे मैं कम्पीट करता हूँ, क्या मेरे थाट्स हैं, वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में. सो ऑल माई प्रिपरेशन डन, रेडी, इंजरी फ्री, कोई दर्द नहीं है कहीं पे, कुछ नहीं है. सो इन अ रियली गुड स्टेट ऑफ माइंड, रियली एक्साइटेड. गोइंग फॉर द इवनिंग सेशन नाउ, डूइंग अ लिफ्ट, शुड बी क्विक, 30 मिनट्स मैक्स. एंड हियर आई एम जॉइंड बाय गेस हू, मिस्टर बोरगोहाइन द स्प्रिंटर. अमलन भाई, हाँ भाई, बताओ कुछ आज क्या करें वेट ट्रेनिंग में, कुछ सिखाओ. आज क्या ही सिखाएंगे आपको, आप ही सीखो, बस आपको हेल्प करेंगे थोड़ा अगर कहीं जरूरत हो. हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर कंपटीशन, यू कंपीट टुमारो इन द 100, इन द 200 एक्चुअली. आई एम डूइंग 200, आई एम वेरी पॉजिटिव, लेट्स होप एवरीथिंग गोस गुड. जय माता दी, जय माता दी. Very easy session, just 3 sets of 3, snatch, 3 sets of 3, quarter squats, and then some bench. So very easy, quick and tight. So yeah, that's it for today. Just had dinner at the Athletes Village, went to the athletics track, phenomenal atmosphere. Just wanted to soak it all in. So tomorrow morning we'll wake up a little bit early, go to the track, do a last shakeout, and come back to the village, have breakfast, and just get ready for competition the following day. Morning everyone. So theek thak neend hui thi, soch mein tha ki kaise hoga competition, and especially after going to the stadium yesterday I had butterflies in my stomach, really excited to go. बट और एक दिन है, सो दिस मॉर्निंग माई प्लान इज टू गो गेट समथिंग टू ईट एंड हेड ओवर टू द ट्रैक. वहाँ पर जाके बहुत ही मतलब प्लान ऑन डूइंग अ वेरी फास्ट इंटेंस क्विक सेशन, जस्ट टू एक्टिवेट यू नो एवरीथिंग, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज देयर. बस छोटी सी हल्की सी थोड़ी सी स्प्रिंटें लगा के थोड़ा सा ब्लॉक्स चेक करके वापस आ जाऊँगा, जस्ट साइकोलॉजिकली अश्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन. दैट्स इट, नथिंग.
that. It was a pretty good session. All I didn't want to overcomplicate things. थोड़े से throws किए. Did some testing with the 4K ball. Usually during competition time, I like to test with the 4K just to see where I'm at. और उसके बाद फिर थोड़े से starts लिए. ज़्यादा complicate नहीं किया जैसा मैंने कहा. All I did was about 3 starts and I think all that was enough just to see where I'm at and just to गाड़ी को एक बार start करके on करके हल्का सा test drive पे लेके जाके वापस आने के लिए बहुत था. अब वापस garage में park कर दिया है. So we'll take it out tomorrow क्योंकि अभी इसको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो इसलिए थोड़ा सा फ्यूल चेक करना ज़रूरी था. सो ऑल दैट्स डन, एवरीथिंग लुक्स गुड. बाकी अभी थोड़ा सा एक हल्का सा मसाज जैसे लेके इट जस्ट कॉल इट अ डे और उसके बाद मैं वापस विलेज चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके थोड़ा सा पूरा रेस्ट करके बाकी लोगों के इवेंट्स देख के हमारे टीममेट्स के उनको चीयर करके टीवी से इस बार चीयर करूँगा एंड दैट शुड बी माई डे. Okay, so here's everything that I take with me to a competition. I have my spikes over there. I have the 100 meter spikes. Made sure I took my long jump spikes, short putt, high jump ke spikes wahan pe hain aur 400 wale spikes bhi hain to mere paas wo 5 spikes hain. Uske alawa what I like to take with me is mere paas 2 t-shirts hain. Kal barish ka forecast hai to isliye maine rain jacket bhi rakha hai, normal jacket bhi rakha hai. Rain jacket just in case if it rains, I know that I have a spare. I have my normal track wear. उसके अलावा एक पैर ऑफ शॉर्ट्स रखे हैं जो मैं पहन के जाऊंगा जिसमें वार्म अप वगैरह करूंगा. आई हैव फुल टाइट्स, आई हैव द कोरस्पॉन्डिंग लोअर फॉर द ट्रैक सूट. उसके अलावा उसके बाद फिर फॉर द कॉम्पिटिशन वेयर आई हैव माई बिब नंबर, आई हैव टू वेस्ट्स जो लॉन्ग जंप के बाद यू नो यू टेंड टू गेट सॉइल्ड और उसके बाद आप पूरे मतलब आप में रेत काफ़ी आ जाती है. सो इसलिए आई टुक टू वेस्ट्स. I have two shorts जो उसके साथ छोटे वाले shorts जाते हैं, splitties कहते हैं इन्हें. I have tights that go with. I have a pair of long tights. Short putt के लिए usually ये मेरे बहुत काम आता है. This is something that I brace my core with. It's like a weight belt. Short putt की हाथ की पट्टी भी है मेरे पास. Something else that I like to take with me is I like a hat. धूप से बचने के लिए जस्ट इन केस आई हैव माई जर्नल ऑलवेज विथ मी. इसमें मैं लिखता हूँ मेरे टारगेट्स क्या हैं, मेरे को क्या सोचना चाहिए कॉम्पिटिशन से पहले, यू नो ऑल दोज थिंग्स. आई हैव सम टेप जस्ट इन केस हाई जंप में मार्क करने के लिए एंड समथिंग दैट आई रैप माई एंकल विथ. आई हैव द टेप मेजर जिससे मेजर मैं कर सकता हूँ अपने रनवे को, अपने अप्रोच को. थोड़ा सा ऑइंटमेंट भी है मेरे पास. उसके अलावा समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी इज दिस बैग दैट हैज़ पिकल जूस. It has all sorts of, caffeine, caffeine gel, caffeine gums, non-caffeinated gums, energy gels. इसमें थोड़े से मेरे nutrition bars हैं. उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, electrolytes, things that I use throughout the competition. For some self-recovery, self-myofascial release, I have, the trigger point gun. उसके अलावा, I have my Oakleys, I have my accreditation card. थोड़ा सा बैंड स्ट्रेचिंग डायनामिक स्ट्रेच करने के लिए एक और एक बड़ी सी बॉल थोड़ा सा रोल आउट करने के लिए. और उसके बाद बैकपैक में यूजुअली ये सब फिट आता नहीं है इसीलिए मैं अपना सूटकेस लेके जाऊंगा. बट टुमारो आई विल टेक माय बैकपैक बिकॉज डे वन में जो 5 इवेंट हैं उसमें पहले जो 3 इवेंट हैं उसके बाद मुझे शायद 6 घंटे का ब्रेक मिलने वाला है. सो द फर्स्ट सेशन इज इट स्टार्ट्स एट 9 AM एंड गोज ऑन टिल आई बिलीव 11 o'clock. और उसके बाद 11 बजे मैं वापस विलेज जा सकता हूँ एंड देन द इवनिंग सेशन हाई जंप ओनली स्टार्ट्स एट 7. सो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द हाई जंप. सो माय प्लान इज टू कम बैक टू द विलेज. आई लीव माय स्टफ फॉर द लास्ट 2 इवेंट्स. 400 और हाई जंप का जो सामान है लोगों में वो मैं यहीं पर छोड़ के चला जाऊँगा और वापस आते हुए मैं पहले 3 इवेंट का सामान एम्प्टी करके आई विल गेट माई बैग रीफिल्ड विद रीस्टॉक विद ऑल द स्टफ आई नीड फॉर हाई जंप एंड द 400. सो आफ्टर डे 1 आई विल हैव टू रीपैक फॉर डे 2 व्हिच आई विल डू नाउ इटसेल्फ ताकि मेरे को डे 1 के बाद आके ज़्यादा टाइम कपड़े पैक करने और इन सब चीज़ों में ना लगे. अगले दिन सुबह मैं उठूँ और बस निकल जाऊँ क्योंकि मुझे सिर्फ 4-5 घंटे की नींद मिलने वाली है. बट दिस इज़ समथिंग दैट आई टेक विथ मी. और जो मेरे जूते हैं वो मैं 2 टेनिस शूज़ लेके जाऊँगा, एक पैर जस्ट इन केस अगर कल बारिश लगती है क्योंकि उसका फोरकास्ट है तो अगर बारिश होती है तो एक पैर नेचुरली भीग जाएंगे. 2-3 सॉक्स के पैर लेके जाऊँगा कि अगर एक भीग गया तो दूसरा भीग गया तो तीसरा. तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जाऊँगा अपने साथ फॉर अ कॉम्पिटिशन. Thank you.
मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन के टाइम पे मैं नर्वस काफ़ी हो जाता हूँ. मुझे चाहे मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, लेकिन मेरी नर्वसनेस हमेशा सेम रहती है. आई एम ऑलवेज वेरी नर्वस बिफोर अ कॉम्पिटिशन बिकॉज आई वॉन्ट टू डू वेल. सो यूजली बिफोर एवरी कॉम्पिटिशन आई जस्ट लाइक टू गो आउट ऑन अ स्ट्रोल, जस्ट सी एवरीथिंग अराउंड मी, मेरे आस पास क्या है, कैसा है. छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो मुझे दिखाता है कि जो मेहनत है वो हो चुकी है, राइट. तो रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि जो प्रोसेस है वो हमने अचीव कर लिया है इतने टाइम मेहनत करके, या जो भी हमारा एंड गोल था वहाँ तक पहुँचने तक का जो रास्ता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो कहीं ना कहीं हो चुका है, तो अब एंजॉय करने का टाइम आ गया है. सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू गो आउट ऑन अ वॉक और यू नो डू समथिंग राइट बिफोर माय कॉम्पिटिशन, जस्ट टू रिमाइंड मी कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो दुनिया के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है. दुनिया के लिए वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीज़ है. शायद सड़क में जो एक दादी माँ रोड क्रॉस कर रही है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं डेकेथन कर रहा हूँ, हाईजम्प कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है. सो आई लाइक टू सी दोज थिंग्स जस्ट टू नो दैट देयर इज अ बिगर वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग इन माय माइंड. उससे बड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो जब मेरे को वो फील होता है कि मैं इतने बड़े संसार में एक छोटा सा इंसान हूँ जो एक छोटे सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो मुझे इतना ओवरवेल्म फील नहीं होता बिफोर अ कॉम्पिटिशन. मुझे इतना घबराहट फील नहीं होती कि हाँ चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली एक फीलिंग आ जाती है. और कहीं ना कहीं उस फीलिंग में मैं अच्छा कर जाता हूँ और मेरी मेहनत जो है वो एग्जीक्यूट अपने आप ही हो जाती है, रादर देन मैं ये सोचूं कि मेरे को उस दिन क्या करना है, क्योंकि उस दिन वही होगा जो मेरी कैपेसिटी होगी और जिस चीज़ की मैंने तैयारी की होगी. तो इसीलिए अभी मैं विलेज में आया हूँ थोड़ा सा बस देखने के लिए आसपास नज़ारे और क्या है कैसा है, और ये बहुत ही सुंदर एक एटमॉस्फेयर बना रहा है. और वॉक करते करते गेस करो मुझे कौन मिला. मेरा कॉम्पिटिटर जो कल जिस में कम्पीट करूँगा. हम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम दोनों एशियन चैम्पियनशिप में मिले थे, बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं लेकिन एक ट्रांसलेटर के थ्रू, क्योंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती और उसे इंग्लिश नहीं आती. और हमारी एक दोस्ती बन चुकी है. हम अभी वॉक कर रहे थे और 15-20 मिनट डेकैथन के बारे में बात किया और कैसे हम दोनों फील कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया. ये सब चीज़ें अननोटिस चली जाती हैं कॉम्पिटिशन में, बस रिजल्ट और नंबर्स को देखने में काफ़ी बिजी हो जाते हैं. बट आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे इज़ द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन. Ooh. Day one of the decathlon. So excited. Been waiting for this day for a long time. Lot of hard work, lot of preparation. Now it's just time to have fun. Go enjoy. सुबह के 5 बज रहे हैं और 9 बजे मेरा कॉम्पिटिशन स्टार्ट है. और मुझे कॉम्पिटिशन से पहले एटलीस्ट आई लाइक टू वेक अप 4-5 आवर्स प्रायर जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज द डिकैथलॉन इज अ मॉर्निंग इवेंट. सुबह सुबह स्टार्ट होता है एंड देन इन ट्रेनिंग यूजुअली वी ट्रेन इन द इवनिंग, राइट. तो बस बॉडी को थोड़ा सा टाइम देने के लिए, एडजस्ट करने के लिए 4-5 घंटे पहले उठ के यू नो जस्ट मूव अराउंड, ताकि बिल्कुल सो के उठ के नहीं जा रहे हैं कॉम्पिटिशन खेलने के लिए. कैच द 7 o'clock बस टू गेट टू द ट्रैक एंड देन स्पेंड एटलीस्ट 2 hours ऑन द वेन्यू, एट द वेन्यू जस्ट सोकिंग इट ऑल इन. एक थोड़ा सा न्यूरो मसलर वेकअप जगह करना मुझे पसंद है. एक हल्का सा रूटीन कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेच करना, जस्ट मूविंग माई बॉडी अराउंड. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ एंड गेट रेडी फॉर कॉम्पिटिशन. और भाई कैसा लग रहा है? राम राम भाई, सारे एक्साइटेड हो हाई जंप क्वालिफायर्स के लिए? अभी क्वालिफायर हो गया. चलो नाइस. आपका? मैं भी एक्साइटेड हूँ. साथ ही चलेंगे ना, मज़ा करेंगे. जब तुम हाई जंप करोगे ऊपर से देखना, मैं तुम्हें दिखूंगा 100 भागते हुए. हम उधर रहेंगे, पुश मार देंगे. नाइस. Just got done with the morning session, but little bit about my performance. मेरी expectation जितनी थी उसके आसपास ही मैं कर रहा हूँ. So I feel like we're on a good track. 100 में feel like I had a good start, लेकिन फिर आगे जाते जाते मेरा balance थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि मेरे साथ में जो जापान वाला था उसका हाथ मेरे को हल्का सा टकरा गया.
सो बट एनी वेज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 11 सेकेंड्स क्योंकि इस साल स्पीड में वो बात आ नहीं रही है आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन. सो आई वाज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट विद माय स्पीड व्हिच वाज प्रीटी एविडेंट बट सो आई वाज एक्सपेक्टिंग 11 सेकेंड. आई वाज एक्सपेक्टिंग 11 सेकेंड्स तो 11.12 आया मार्क तो विच आई एम नॉट लूजिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स देयर सो नॉट टू बैड ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. लॉन्ग जंप में मैंने 7:35 डाल के रखा था क्योंकि लॉन्ग जंप में भी मतलब कहीं ना कहीं स्पीड से कनेक्टेड होता है लॉन्ग जंप. तो बोर्ड में मेरा पैर मतलब हमेशा मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे वही हुआ कि लॉन्ग जंप में क्योंकि इतनी खास प्रैक्टिस हो नहीं रही थी तो आई जंप व्हाट आई एक्सपेक्टेड. आई पुट 7:35 फॉर यू नो व्हाट आई वांटेड टू जंप एंड आई एंड अप जंपिंग 7:37 सो वी आर नॉट लूजिंग एनी पॉइंट्स देयर. शॉर्ट पट से मैं काफ़ी खुश हूँ. शॉर्ट पट में इस सीज़न की शुरुआत में मैंने 13:30 फेंका था और उसके बाद यू नो एट इंटर स्टेट आई स्ट्रगल टू थ्रो 13 meters और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में मैंने 12:30 फेंकी तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन था शॉर्ट पट में. सो आई हैड सम गुड सेशंस इन द शॉर्ट पट और आज मैंने 13:39 फेंका अपने शॉर्ट पट कॉम्पिटिशन में. सो ओवरऑल आई फील लाइक वी आर एट अ गुड पॉइंट आफ्टर द मॉर्निंग सेशन अ लिटिल बिट अबव एक्सपेक्टेशन विच इज़ ऑलवेज गुड क्योंकि कहीं ना कहीं बफर पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो नाउ नेक्स्ट अप I'll go back to the village, थोड़ा सा खाना खाऊंगा. I have about 5 hours, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा कूल ऑफ होके नहा के धो के हल्का सा यू नो इफ आई कैन गेट सम स्लीप आई डू दैट क्योंकि अगला इवेंट हाई जंप है एंड दैट्स वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गर इवेंट्स. स्टार्टिंग टू फील लिटिल बिट क्रैम्प्ड सो हल्का सा भी हाइड्रेशन वगैरह थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा. रूम में जाके थोड़ा सा फ्लश आउट करूँगा, मसाज करूँगा. सो दैट्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 hours. उसके बाद शाम को आप देखेंगे वील कम बैक फॉर द हाई जंप. दैट्स अ बिग इवेंट फॉर मी. That's where, you know, I get a lot of points. So, expecting somewhere between 215, 217, 218. Wo range mein aa jata hai, toh feel like we'll be off to a good start. And then, we'll have to finish it off with a nice little 400. So, stay tuned. Village aane ka decision ek bahut hi achha decision raha. Kyunki village aate hi, mere ko hamstring mein bahut bada cramp aaya. Aur I'm so happy ke main itna lagi tha us time pe ki hamare jo physio hain, Team India ke Mayur Thakkar, woh us samay hamare saath, mere saath the. Aur यू नो ही वॉज वेरी क्विक टू रेस्पॉन्ड और अब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लेके आने में उन्होंने बहुत हेल्प किया. सो आई एम रियली हैप्पी. दैट बींग सेड अभी का जो वार्म अप है अभी मैं जाऊँगा. मेरे पास इट्स अबाउट 5 PM नाउ तो मेरे पास 1 घंटा है कॉर्ड रूम में वापस रिपोर्ट करने के लिए और 2 घंटे हैं जब कॉम्पिटिशन से पहले. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अभी का जो वार्म अप है वो थोड़ा सा थरो हो, थोड़ा सा आराम से ठहराव के साथ मैं करूँ ताकि मैं उस क्रैम्प को एग्रेवेट भी ना करूँ. एट द सेम टाइम यू नो मैं अपने बॉडी को वार्म अप वापस कर सकता हूँ. इन द हाई जंप आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 217 to 220, 217 की रेंज में. अगर 215 से लेकर 220 की रेंज में अगर कोई भी जंप लगती है तो आई वॉन्ट बी टू डिसअपॉइंटेड विद दैट रिजल्ट. और उसके बाद 400 आता है जो बहुत ही क्रूशियल रेस है मेरे लिए और डे वन उसके बाद मेरा ख़त्म हो जाएगा. सो बिफोर वी गेट टू फार अहेड ऑफ आवरसेल्व्स लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द हाई जंप एंड सी व्हाट वी कैन डू देयर. After the 400, how would you like it? I will bring that. So, हाई जंप अच्छा था. ट्विच हुआ. हाई जंप अच्छा था. सो गोइंग टू द हाई जंप दैट वाज माय स्ट्रेटजी टू नॉट ओवर एग्जर्ट और छोटे छोटे जंप्स लेके बस अपने आप को रेडी करना. और हाई जंप आई वाज रियली हैप्पी विद माय हाई जंप परफॉर्मेंस. एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग 217 215 जैसे मैंने बताया बट गेटिंग दैट 221 एंड यू नो ब्रेकिंग दैट 1000 point बैरियर इन वन इवेंट एंड दैट्स अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी. उसके बाद ऑल आई हैड वाज अ 30-minute ब्रेक बिटवीन द after the completion of the high jump and before the start of the 400. So didn't get a lot of chance to lot of time to warm up for the 4, but iski practice hum karte hain. You know, usually when we have a high jump session sometimes after that we tend to do a 300 meter repeat or a 250. Ouch, zyada mat karna sir, or a 250 repeat just to teach ourselves ke jab high jump finish karne ke baad wo lactic ko kaise handle karna hai aur kam gap mein, because that's one of my strengths and usually I'll find myself in a position in every decathlon where I am the last person to finish in the high jump and I have to go start the 400 with everybody. And then hamstring ko thoda strap karna pada because it was just as a precautionary way to, you know, conserve thoda sa kahin cramp wagera na aa jaye. To Mayur sir
मेरे साथ पूरा टाइम लगे हुए हैं, मेरे साथ वो भी डेकैथलन कप चल रहे हैं उनका, ही इज़ वेरी एक्साइटेड. आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द 400 आई गॉट इन द आइस बाथ जैसे कि आपने देखा. सो नाउ द आइडिया इट्स ऑलरेडी 10, सो बाय द टाइम आई गेट इन टू द विलेज इट्स गोना बी अबाउट 10:30-11. डिनर करके, मसाज लेके, थोड़ा सा फ्लश आउट करके, फिर से बाय द टाइम आई स्लीप इट्स गोइंग टू बी अबाउट 12:30. And then I'll have to wake up again tomorrow morning at 5 so that I give myself plenty of time before the 9 o'clock race to wake up and get physically awake. So 4 ghante ki neend hai, but this is very common in the decathlon, so very excited for this process. And tonight is going to be very crucial from a recovery standpoint. But that's it for today. Aur phir milenge chalte chalte.